हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के। अब आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 8 का पार्ट 23, जिसका नाम है मान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो आइए चलिए अपन इसका संपूर्ण हल देखते हैं। पार्ट 23 मान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर का पहला क्वेश्चन, सही वर्तनी कौन सी है? तो आप लिखिए आंसर में सी सहर्स। अब प्रश्न नंबर 2 है, जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो आप लिखते हैं ऑप्शन बी पारदर्शी। और क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे? तो आप लिखिए इनमें से गायक नहीं थे, ऑप्शन सी पर राइट लगाइए और लिखिए गायक नहीं थे। अब चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे, किसके समर्थक थे वो? ऑप्शन सी ज्ञान के, तो आप ज्ञान पर राइट लगाइए, ऑप्शन सी ज्ञान के समर्थक थे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डॉक्टर, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, वकील, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वकील के लिए, अधिवक्ता वकील को बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको अपन उचित स्थान पर भरेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, सर आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 7 में सरस्वती लक्ष्मी, 8 में अनागत, 9 में विदुषी और 10 में और। इस तरीके से आपके फिलअप पूरे होते हैं बच्चों। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो आप लिख दो श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। विधिवेता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान विधिवेत्ता थे। प्रश्न नंबर 13 है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? डॉक्टर गौर को सर की उपाधि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। और 14 वाला है, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि उनके अपूर्व बुद्धि, तर्क शक्ति और न्यायालय में उनके अद्वितीय प्रस्तुति शैली के कारण थी। अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? आंसर में आएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और विकास से वंचित इस क्षेत्र के शिक्षा के माध्यम से की थी। अब 16 वाला देखते हैं बच्चों अपन, पर हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपके यहाँ पे हिंदी के पूरे पार्ट सॉल्व करके डाल दिए हैं, अब मैं विज्ञान के डालूँगी कक्षा 8 के, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। प्रश्न नंबर 16 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र ना देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग नहीं देते तो विधि के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते और ना ही वे एक महान विधिवेता, शिक्षाविद और दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन में किन किन पक्षों को रखा गया है? उनके विभिन्न पक्षों को रखा गया है। पक्षों को सम्मिलित किया गया है, देखिए